हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी आशिमा बिस्ट। कैसे हो आप सब लोग? गाइस आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं न्यू टिहरी, नानी के यहाँ से आ चुके हैं न्यू टिहरी। यहाँ पे पापा को कुछ काम था तो हमें न्यू टिहरी आना पड़ा। तो आज मैं आपको न्यू टिहरी का टूर कराऊंगी। चलो फिर मेरे साथ। वो गई, धूप आ गई फाइनली। वहाँ देखो व्यू, जो प्यारी प्यारी धूप आई है ना, ये वहाँ देखो बादल ही बादल। जो यहाँ पे मज़ा आ रहा है ना, सुबह सुबह पैगोट से चली चाय पीते हैं, मन करा पूरी रोड घूम लो अकेले अकेले। अकेले तो नहीं पर ठीक है, पर अकेले तो अकेले वैन गिरा। चलो ये देखो इसे, वहाँ देखो क्या व्यू है यार, बहुत प्यारा प्यारा गेट दिया है इन्होंने। और ये हमें प्यारा सा कुत्ता मिला है, तब प्यारा रिएक्शन दे रहा हूँ। अभी हम घूमने जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी घूमने का मन कर रहा है। कुछ खाया भी नहीं हमने, कुछ खाएंगे और हम चल पड़े हैं। अब हमें पता नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है, अजीब सी गली आ रही है भैया। नहीं भाई, सही रास्ता हो सकता है भैया, वहाँ तक नीचे अगर घंटा भर तक पहुँच जाए ना, वन मजा आ जाएगा। सीरियसली वहाँ झूले झूले भी लगे घंटा घर में जाके। मैं पहली बार मतलब पास से नहीं घूमी ना, घर में देखा है जगह घूमने भाई। नीचे जा रहा है, वहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। यहाँ के रास्ते बड़े प्यारे हैं, कहीं भी जाओ एक जगह पहुंच ही जाना है हमने, है ना। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सारा। अरे तू वहाँ जाइयो कभी, वहाँ यार तू दीदी की शादी में गया था, यहाँ भाई यहाँ यहाँ से रास्ता ऐसे चल चल कैमरा बंद करूँ। चलो गाइस आओ हम गलियाँ गलियाँ एक्सप्लोर करेंगे। आज पहले आना नहीं आएगा तू भाई, नहीं आएगा तू, हैंडसम है मुझे पता है, नहीं आएगा बोला ना गाइस, इसी ने बोला, मेरे अंदर अभी जोश आ गया है। रास्ता कौन सा था वो भाई, यहाँ तो बोल रहे हैं, यहाँ से कहाँ जाए, वहाँ जाके नहीं, हाँ आ जा। प्यारी प्यारी रस्तों पे हम चल रहे हैं, अपना सोया हुआ मुंह लेके। ऐसे स्कूटी के वो ये होता है कि स्कूटी होगा, स्कूटी में घूमते रहो ना, है ना, स्कूटी में मस्त है ना, गलियां है ना ये सब। हां अब मंदिर गुरुद्वारा भी सब मिल जाएगा तुझे यहां। चलो प्लीज, मुझे आखिरकार ये पास से देखने का मौका मिला भाई। ये झूले हमेशा रहते हैं यहाँ लगे हुए? ओही गाइस, मुझे फाइनली न्यू टिहरी की रोड में पैदल चलने का मौका मिल गया। फाइनली मुझे न्यू टिहरी की रोड में पैदल चलने का मौका मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। ला 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 ला, हाँ देख सकते हो तुम, ये फाइनली कितने पास से देख रही हूँ मैं इसे। ये कितना प्यारा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में सब जा सकते हैं। अभी होके आऊँगी मैं उस ग्राउंड में भाई, वहाँ चलेंगे। बेटेगा यहाँ रास्ता है, अरे यहाँ से चल लो। चलो गाइस चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से जाना है घूमते घूमते, फिर वहाँ से पता नहीं कौन सा गली आएगी, पर हम पहुँचेंगे ज़रूर डोरा दी एक्सप्लोरर। क्या तुम्हें घंटाघर दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। तो गाइस चलो, ऐसा शॉर्टकट रास्ता भी था शायद, हाँ देख सीढ़ी सीढ़ी। चलो भाई हो जाए आज, देख भाई सीढ़ी सीढ़ी है, शॉर्टकट पहुंचाएगा नीचे। चल रहा, चल आ जा। सही में यार आएगा? आना भाई शॉर्टकट चलेंगे, इसे शॉर्टकट नहीं लेना है। मतलब मेरा भाई हमें क्या बताना चाह रहा है कि जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए, समझ रहे हो?
कह रहा भाई सारे शॉर्टकट तो मैं ही लेता हूँ। मैं थोड़ी डर लग रहा है कि नहीं जा पाऊंगा। ये रास्ता खत्म क्यों हो गया? बोला था मैंने शॉर्टकट चलते हैं ना अंकल। अरे नहीं गाइस यहाँ भी है कुछ है भाई है। अगर ये रास्ता मैं वहीं ले गया, हाँ वहीं ले जा रहा है। आजा भाई रुक गया यार। ये देखो देखो तुम देखो। हाँ भाई तेरा बोला सच निकला। गाइस मेरा भाई आगे नहीं जा रहा, कह रहा बहुत दूर है, ऊपर भी जाना है। अब मैं अकेले कैसे जाऊँ? मैं अकेले कैसे जाऊँ? भाई शॉर्टकट लेंगे अभी, देख जो इतना लंबा घुमा के लाया है ना वहाँ, इतना लंबा हमें वहाँ से घूम के नहीं आना पड़ेगा। शॉर्टकट लंबा तो बन जाता है, वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। लंबा ही था भाई मेरे लिए। ऑर्डर दे रहा मेरा भाई मुझे। ऐसे होते हैं भाई, काश मेरा भी बड़ा भाई होता, मैं बोलती भाई मुझे कुछ खिलाता भाई। तभी तो तेरे को बोल रहा था। ओ तू तो बोल, तू तो खा गाय आई दे ओ झूला झूलेंगे झूला। देख रहे हैं आपको गाइस झूला झूला जा रहा है, झूल जाएंगे हम यहाँ चढ़ेंगे जहाँ मैं पहले शॉर्टकट जाने के लिए बोल रही थी। भाई चॉकलेट खा लो। मेरा दिमाग उल्टा चलता है शायद। इतना लंबा यार, मुझे पता है वहाँ जाना था, मेरे भाई ने जाने नहीं दिया मुझे। उम्मीद करती हूँ मैं आराम से पहुँच जाऊँ। हाँ जल्दी भाई, मेरे इतनी में साथ नहीं है, मैं ऊपर कैसे चढ़ूँगी सारा। ये दे चिप्स। अरे यार चिप्स दे दे, खा लो अभी बराबर। चलो गाइस चलते हैं ऊपर। हाँ इज एक्चुअली हमारे रिलेटिव के यहाँ शादी हुई अभी एक दो दिन पहले, वो हमारे खास लगते हैं, तो उस टाइम हम शादी पे नहीं आए थे। एंड मेरे घर वालों ने कहा जब नानी के यहाँ आए हम उससे मिल के भी जाएंगे, तो हमने कहा चलो क्या बोले। हाँ अब हम धूप में बैठे हैं मस्त, और वो लोग कर रहे होंगे बातें अपनी, हमने क्या करना हुआ, हम तो जानते नहीं उन्हें ना उनके बच्चों को। हम बैठे हैं तो हम घूम के भी आ गए, अब सोच रहे कि थोड़ा और चलते हैं, पर मुझे धूप में मन कर रहा है मैं यहीं पे छत पे आराम से सो जाऊँ। और मैं सच में सोने वाली हूँ क्योंकि शायद हम थोड़ी देर में जाएंगे, खाना वाना खाने के बाद ही निकलेंगे, अभी तो नहीं निकल रहे हम लोग क्योंकि सब आ रखे हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, समझ रहे हो। यही वो कुत्ता है जो हमें पूरा का पूरा तीरी घुमा रहा था, मतलब ये नीचे रोड़े हमारे साथ घूम रहा था। इधर कालू, इसने इसका नाम रखा ब्राउनी, तनीषा ने बुरुनी। चलो गाइस बुरुनी को कुछ देते हैं। सो गाइस यहाँ रैली जा रही है, और जो ये उत्तराखंड को कानून चल रहा था उससे रिलेटेड यहाँ रैली गई अभी फिलहाल। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं उस टाइम खाना खा रही थी, बट देख सकते हो कुछ लोग तो दिख रहे हैं, कुछ आगे चले गए हैं। ज़रूरी है अब समझे तुम, पूरी गंगा है, टीरी झील है वो भाई। हाँ तो मुझे ही पता चला भाई, मैंने नोटिस ही नहीं किया, इधर से दिमाग में नहीं आई हमारी ये बात। गाइस यहाँ भी मतलब देहरादून जैसा ही हाल है, देखो कैसी छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, बड़ा प्यारे प्यारे घर है, चिपके चिपके घर। बात करने के लिए पड़ोस के पास में कूद जाओ, सीधा इसके उसमें कूद जाओ भाई। कितनी प्यारी हवा चल रही है, देखो यहाँ दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है ठीक है, और शाम के टाइम पे बहुत प्यारी प्यारी हवा। और यहाँ देखो जब ऐसा होता है ना, ये लेकर लेते हैं सबके सम्मान सब चुके की ओर, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट बार ये व्यू देख लीजिए।
बाय बाय।